भाई देखो, एक बार ना कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी वजह से ना मोमेंटम टूट रहा है, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, मतलब चैप्टर को लेके मैं चैप्टर की कुछ क्लियरेंस दे रहा हूँ कि कैसे ये चल रहा है। कई बार क्या होता है, जब कोई चीज हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो हमारा मोमेंटम इस वजह से टूटता है। लाइक जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमारे को बीच बीच में आके हम भूल जाते हैं कि क्या किया है, अभी तक क्या करना है, कहाँ पहुंचे हैं। मतलब धुंधला आ जाता है, सब कुछ ब्लर्ड हो जाता है। वो चीज की क्लियरेंस मैं आपको दे रहा हूं। ये देखो, यहां ले लो भाई, थोड़ा ध्यान रखा करो यार। ये जो एनएलएम मैं आपको करा रहा हूं, अगर इसका मैं एक 5 मिनट रोड मैप बता रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने आपको न्यूटन के लॉज कराए, यस और नो? अरे हाँ या ना, या पा इसके साथ नहीं बैठना, पीछे चला, पीछे पीछे पीछे। न्यूटन्स लॉज में मैंने आपको 3 लॉ कराए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। देन ये जो फर्स्ट लॉ है, ये तुम्हारे को डेफिनेशन देता है किसकी, फोर्स की। ये सीखा, जैसे फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, वो यहां से आया था। उसके बाद सेकंड लॉ मैंने आपको बताया, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी। क्या ये तो तुम भूलोगे नहीं? क्या डीपी बाई डीटी से हमने बहुत सारी कैटेगरी क्वेश्चंस की थी, ये काफी दिन चला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ, यही हुआ। तीसरा, क्या एक्शन रिएक्शन आए थे? एक्शन रिएक्शन आए थे। अभी सेकंड में क्या मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताई? टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या आता है? क्या पहले फील्ड आई, फील्ड फोर्स, उसके बाद आई कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कांटेक्ट फोर्स में कौन सी आती है? एक आती है नॉर्मल और एक आती है फ्रिक्शन। क्या हमने फ्रिक्शन पढ़ा अभी तक? ये नहीं पढ़ा, ये अलग से चैप्टर आएगा, अलग से टॉपिक आएगा। फील्ड फोर्स में कौन सी फोर्स आती है? वेट फोर्स। वेट फोर्स मतलब एमजी। एमजी कहाँ लगता है? नीचे। लाइक जैसे ये मास एम है तो नीचे क्या लग गया, एमजी। फील्ड फोर्स को कोई कॉन्टेक्ट की नीड, इसको कॉन्टेक्ट की नीड है, इसको कांटेक्ट की नीड है। जहां कांटेक्ट होगा वहीं लगेगी ये। उसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, ये करने इसमें एक हमने अलग से कैटेगरी पढ़ी थी, कौन, टेंशन। क्या टेंशन कहाँ कहाँ लगती है? स्ट्रिंग में, रोप में, वायर में, रोड में, इनमें। इसका मतलब रोड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, वायर, स्ट्रिंग, ये सब आएंगे। इसके बाद जब हमने ये सीख ली, तो ये किससे कनेक्ट होती है? फ्री बॉडी डायग्राम से। मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाया। क्या फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा डायग्राम होता है जिसमें लेट क्यों आता है? फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें फोर्स दिखाई जाती है, कौन कौन सी लग रही है, बॉडी कौन कौन सी लगा रही है, ये नहीं दिखानी। लाइक इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है ये दिखाना है। क्या बन जाएगी इसकी? एफबीडी बन जाएगी, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड, क्या मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कराया था अभी कुछ दिन पहले ही? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, पूरी क्लास इसी पे थी। ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, लेफ्ट वाली बराबर, राइट वाली, कोई प्रॉब्लम इसमें? इक्विलिब्रियम के बाद क्या मैंने कॉन्स्ट्रेंट मोशन शुरू कर दिया? कॉन्स्ट्रेंट मोशन शुरू किया है। कंस्ट्रेंट मोशन में कितनी कैटेगरी बताई? क्या प्रॉब्लम है भाई, है मैथ्स वाले ने? क्यों, यहां पे आती है स्ट्रिंग वाली कंस्ट्रेंट, और कौन सा कंस्ट्रेंट आता है? पुली, पुली स्ट्रिंग, ये आता है। उसके बाद और वेज ब्लॉक आता है, आई थिंक। क्या मैं यहां चल रहा हूं अभी? मैं इस पे चल रहा हूं, यहां चल रहा हूं, सही है? तो हम यहां से लेके यहां तक पहुंचे हैं अभी तक। उसके बाद पांचवें टॉपिक में, यहां पे आपको अलग से पढ़ना एक्सेलरेटेड व्हीकल्स। एक्सेलरेटेड व्हीकल, एक्सेलरेटेड व्हीकल कैसे कैसे हो सकते हैं बताना? क्या कोई व्हीकल ऐसे जा सकता है एक्सेलरेट करके? ऊपर भी तो जा सकता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाले भी आते हैं,
और वर्टिकल वाले भी आते हैं। सिक्स्थ, यहाँ पे कनेक्टेड बॉडीज आएंगी, कनेक्टेड बॉडीज, एक टॉपिक आएगा कनेक्टेड बॉडीज का। प्लस यहीं पे क्या पढ़ेंगे हम, रोड, ये वाला टेंशन इन ए रोड। एंड देन लास्ट टॉपिक इज पुली सिस्टम, पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक सिस्टम, ये आपका लास्ट रहेगा। साथ में इसमें आप स्प्रिंग वाला भी पढ़ लोगे, छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग बहुत बार आएगा, ये चैप्टर है। उतार लो जल्दी फटाफट, भूल गए हो तो। यहां पहुंच चुके हैं हम, यहां से लेके यहां तक मैं करवा चुका हूं। अब इसके बाद सिर्फ ये वाला पोर्शन रहता है, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फिर। नहीं लिखा था ना पहले रोड मैप, इसका लिख लो रोड मैप, इसका साइड में क्लियरिटी रहेगी चीजों में, मतलब ऐसे ऐसे किया करते हैं, ठीक है। इसको पॉज कर दो भाई, जब तक लिख रहे हैं इसको पॉज कर दे, पॉज, इसको पॉज कर दे, कैमरा पॉज नहीं करना। अभी हमें ना यहाँ पे है, इधर इधर इस पे है, पुलिस स्ट्रिंग पे, यहाँ आ गया जा। अभी पुली और स्ट्रिंग, अभी इसमें ना इमेजिनेशन चाहिए होती है, क्यों ने, इसमें इमेजिनेशन चाहिए होती है, इस वाले में हो गया क्या, जल्दी लिखिए। कैसे लेट हो गई फिजिक्स वाले सर, ये मार कर देना भाई। आयुष क्या प्रॉब्लम है, लिखा नहीं जाता तो मुंह बंद करके लिखो ना भाई। अच्छा कल मैंने मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि नहीं किया था, एक बार पेज पलट के देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था। मूविंग पुली बेटा, यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट लिखना, जैसे मैंने कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बनाया था, बी और ये ए आया ना, क्या इसके अंदर ये, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वीपी, मतलब पुली इज ऑल्सो मूविंग। रह गया कुछ, देखो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो एक बार, कल वाली क्लास क्या थी उसको भूल जाओ, कल वाली ही क्लास दोबारा करा रहा हूं एक तरीके से, मतलब कल मेथड वन था आज मेथड टू है, यही सेम सवाल है। ये देखो ये वीपी है, किस किस को याद है, मैंने इसको एक्स वन माना था और इसको एक्स टू माना था, और मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर कॉन्स्टेंट ये है, कॉन्स्टेंट ये है कि ये लेंथ क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। देखो जब ये ऐसा ऐसा चलेगा, ये भले ऐसे ऐसे होते रहे या ऊपर जाते रहे, क्या कभी इस वायर की जो लेंथ है कभी चेंज होगी, नहीं होगी, तो मतलब लेंथ क्या रखनी है मेरे को, कॉन्स्टेंट। कल किसी को याद हो मैंने कहा था एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो, कॉन्स्टेंट। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किया था मैंने, क्या मैंने इसमें डी एक्स वन बाई डी टी लिखा था, डी एक्स टू बाई डी टी लिखा था, और ये कितना आ गया था, ये जीरो आ गया था, ये जीरो आ गया था। आज तुम लेट कैसे आ रहे हो, टेस्ट है, डी एक्स वन बाई डी टी, डी एक्स टू बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। क्या यहां से
आपका फाइनल रिजल्ट आया था, कुछ आया था कि नहीं आया था? और छोड़ो, क्या कुछ ऐसा निकल के आया था कि VAP इक्वल्स टू माइनस VBP? कल वाली कॉपी देख लो एक बार, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये कौन है? ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। और कल हमने यहां से ये रिजल्ट निकाला था, क्यों? क्योंकि यहां से लिखा था वी ए माइनस वीपी इक्वल्स टू माइनस वी बी माइनस वीपी। कल की क्लास रिवाइज की है, कल मैंने ऐसा ऐसा किया था कि इस वायर को क्या माना था? कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट हो जाए, मैंने डिफ्रेंसिएशन किया। अच्छा, मैंने जो डीएक्स वन बाई डी टी है, ये किसकी वेलोसिटी मानी थी? इस वायर पे लाई करने वाले हर पॉइंट की। क्या हर पॉइंट इस पे ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा। डीएक्स टू बाई डी टी में ये फोन उठा रहे, सही है? तो मैंने कल कहा था कि जो डीएक्स वन बाई डी टी है, लेंथ कौन सी है? ये वाली। भाई इसमें समझने में समय लगता है, ध्यान से समझे। मैं दो बार तीन बार समझाऊंगा। इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है, और इस पर लाई करने वाले पॉइंट की इतनी है, और उनका रिलेशन तुम्हें समझ में आ रहा है? ये कल मैंने ऐसा किया था। अब मैं दोबारा इसी को डिराइव कर रहा हूं, यहां से आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। इस मेथड को भूल जाओ, ये मेथड लगाना आ रहा है तो भी बेटर है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड। आपको सबसे पहले लिखना नहीं है, टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए। यहां पे जितने पॉइंट्स है तुम्हें पहले मार्क करने हैं। क्या एक पॉइंट यहां कनेक्ट है, एक पॉइंट यहां कनेक्ट है, एक पॉइंट यहां कनेक्ट है, एक पॉइंट यहां कनेक्ट है। क्या मैं मान लू इस पॉइंट की वेलोसिटी? ये मान लो ये पॉइंट वन है, ये वाला पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट थ्री, ये वाला पॉइंट फोर। ये कहता है कि इन सभी पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी, उन सबका सम कितना होना चाहिए? जीरो। रीजन क्या है? नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा था, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द वायर सेम होनी चाहिए। अभी किसी की ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी, किसी की ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी, ऐसे कर करके इन सभी पॉइंट्स का जो वेलोसिटी है उसका सम कितना आना चाहिए? जीरो। किसी की इमेजिनेशन में थोड़ी वीकनेस है, छोड़ के सिंपल याद रख लो कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अब मेरे को ये लिखने कैसे हैं? सबसे पहले यही चीज हमें देखनी है, हम लिखेंगे इसको कैसे? बोलो ये कौन है? बी। ये कौन है? ए। अगर मान लो ये नीचे जा रहा है वी ए से, कल मैंने याद करो, कल मैंने ऐसा कुछ माना था, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो। क्या ये वीबी से ऊपर जा रहा था? क्या ये वीए से ऊपर जा रहा था? कल मैंने ऐसा ऐसा कुछ माना था तुम्हारे साथ, तो बताइए क्या ये पॉइंट बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? क्या ये पॉइंट इस ब्लॉक से कनेक्ट है? तो जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा फिर ये देखिए, क्या ये वाला पॉइंट आपको लग रहा है पुली से कनेक्ट है? तो इसकी भी वेलोसिटी वीपी होगी कि नहीं होगी? और इसकी इसकी भी वीपी होगी। जैसे मान लीजिए इसके साथ कोई कनेक्ट है यहां पे, यहां पे, और ये ऊपर जा रहा है पांच से, तो ये वाला भी तो पांच से ही जा रहा है ना। तो क्या पहला स्टेप क्या है? सभी पॉइंट्स को मार्क करना है, सबको मार्क करना है, सबकी वेलोसिटी देखनी है। अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी आई, मतलब वन वाले की वेलोसिटी कितनी है? वन वाले की वही है जो किसकी है? बी की। टू की वही है जो पुली की है, इसकी भी वही है जो पुली की है, इसकी जो ए की है, सही है? अब तुम्हें साइन कन्वेंशन कैसे लगाने हैं? ये मेथड कभी भी साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं होने देगा तुम्हारी। देखो ये वीबी जो है ये ऊपर है ना, सोचो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर होगी, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी? जैसे मान लो मैं इस वायर को, इस वाले पॉइंट को ऐसे ऊपर ले जाऊं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसकी, इसको फिक्स कर दो और इसको देखो ये ऊपर जा रहा है, तो ये लेंथ छोटी हो रही है बड़ी हो रही है? मतलब लेंथ घट रही है बढ़ रही है? अगर घट रही है तो माइनस, और बढ़ रही है तो। अब देखो ये वाला, अब जब तुम इसको देखोगे तो इसको फिक्स कर दो, बोलो ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है तो ये भी तो ऊपर ही जा रहा है ना। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है भाई, ये वाला फिक्स है।
अगर ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा लेंथ बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? तो यहां पे ये वाला लेंथ बढ़ा रहा है, ये बोलो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये वाला पॉइंट फिक्स रखना है ना, मैं इधर आ गया, ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? ऊपर। ये पॉइंट, ये पुली ऊपर जा रही है, ये पॉइंट पुली के साथ कनेक्ट है, तो ये पॉइंट भी तो ऊपर जा रहा है ना, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर ऊपर है, तो ये लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? अच्छा ये कहां जा रहा है? ऊपर। ये फिक्स है, अब बताना घटा रहा है बढ़ा रहा है? अब घटा रहा है ना, तो जो घटाए तो माइनस, बढ़ाए तो प्लस। अब देखो क्या इसकी वेलोसिटी ऊपर थी और तुमने इसको क्या माना? माइनस, क्योंकि लेंथ को क्या कर रहा था? घटा रहा था। इसका मतलब मैं ऊपर वाली चीजों को माइनस मान रहा हूं। दोबारा बोलूं, ये देखो अगर ये वाली वेलोसिटी ऊपर है, ये लेंथ को घटा रही है, मैंने इसको माइनस लिया है, इसका मतलब मैंने ऊपर वाली वेलोसिटी को क्या ले लिया? तो मैं ऊपर वाली चीजों को क्या मान रहा हूं? तो इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये साइन कन्वेंशन इधर है, लेंथ घट रही है तो माइनस लेना। अब लिखें, बोलो वन वाले की वेलोसिटी कितनी थी? वी बी, तो क्या लिखूं? माइनस वी बी। वी टू बोलो क्या, ये वाले की वेलोसिटी ऊपर लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? तो प्लस की वी पी। वी थ्री, प्लस वी पी माइनस वी ए इक्वल्स टू, क्या वी बी और वी ए उधर चले जाए? क्या आएगा? टू वी पी बन गया इक्वल्स टू वी ए प्लस, क्या वी पी की वैल्यू अभी भी तो वही आ गई, वी ए प्लस वी बी बाय टू। ये आसान लगा? देखो इसके स्टेप्स लिख दूं, इसके स्टेप्स यहां लिख रहा हूं, उतार लो तुम स्टेप्स। पहला, सभी पॉइंट्स को मार्क करो जो बॉक्स और पुली से कनेक्ट है। देखो ये वाला पॉइंट बॉक्स से कनेक्ट है, वो वाला पुली से कनेक्ट है, तो मार्क मार्क द पॉइंट्स, मार्क द पॉइंट्स जो ब्लॉक और पुली से कनेक्टेड है, ब्लॉक एंड पुली से कनेक्टेड है, ऐसा। उसके बाद सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी देखो, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी लिखो, लिख गया। थर्ड, वो वाली वेलोसिटी लेंथ को बढ़ा रही है तो प्लस ले लो, घटा रही है तो वेलोसिटी लेंथ को बढ़ाए, लेंथ को बढ़ाए तो कैसी लेनी है? पॉजिटिव, और घटाए तो नेगेटिव। वेलोसिटी वेलोसिटी लेंथ को घटाए तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। दैट इज अ साइन कन्वेंशन। एंड इन द फोर्थ स्टेप, वी समिशन, मतलब वेलोसिटीज का सम, सम ऑफ वेलोसिटीज कितना कर देंगे? सम ऑफ वेलोसिटीज इक्वल्स टू जीरो। अभी सवाल में लगा के दिखाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज नोन एज पॉइंट मेथड। सही है? कहीं पर भी इस चैप्टर में फंस के खड़े हो जाओ, ट्राई टू सॉल्व इट लाइक दिस, स्ट्रिंग और पुली और ये मास, ऐसे ऐसे सवालों में। आपको समझ में आ रहा है बेटे? यहां पे क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हुए थे इसके? कल मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे? सात, चार, क्वेश्चन नंबर 5 इस कैटेगरी में। नहीं माने?
ये ऐसा है भाई, ए बी सी, ये बी ये सी, ये 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मुझे सिंपल एक चीज समझाइए, मूविंग पुली है कौन सी है, फिक्स्ड पुली कौन सी है? क्या ये फिक्स नजर आ रही है तुम्हारे ऊपर से? मूविंग कौन सी है? ये नीचे वाले। अब मैं तुम्हारे को ये कह रहा हूं कि मुझे सी की स्पीड निकाल के दो, यानी कि ये वी सी, ना मैं इसकी डायरेक्शन दे रहा हूं, तुम्हें ही बतानी है वी सी कहाँ जाएगा और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, पॉइंट मेथड लगाना है, क्या सभी पॉइंट्स को मार्क करें? कौन कौन से हैं बताना, ये है, ये पॉइंट कौन कौन से होंगे? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये रहा, ये रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखो मैं अभी तुम्हारी ईज के लिए, ताकि तुम्हारे को स्टेप वाइज चीजें समझ में आए, एक बार उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे मैं बता रहा था। लाइक जैसे ये 1 है, ये कोई 2 है, ये कोई 3 है, ये कोई 4 है, ये कोई 5 है, ये कोई 6, ये कोई 7 और ये कोई 8। क्या तुम्हारे को ऐसा लग रहा है मुझे 8वें की वेलोसिटी निकालनी है? भाई मैं अगर वीसी बोल रहा हूं तो वीसी का तो यही है ना 8वां पॉइंट, इसका मतलब मुझे V8 निकालनी है, ऐसा ऐसा मुझे निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बताया, V1 प्लस V2 प्लस V3 V प्लस V4। हाँ जी, इसका इसका नहीं करना, इस ब्लॉक का नहीं करना, क्योंकि ये इस पुली से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस पुली वाले ही पॉइंट ले लूंगा। देखो ये पुली इससे जुड़ी है, ये कितने से जा रही है, तो ये वाले पॉइंट भी 6 से ही जा रहे हैं, सही है? तो बताओ V7 है, सबका सम कितना आना चाहिए? क्या तुम्हारे तुम्हारे को ऐसा लग रहा है ये फालतू का काम है ये लिखना? अब धीरे धीरे जब तुम 2-3 सवाल करोगे ना, इसकी प्रैक्टिस तुम्हारी चली जाएगी, तुम डायरेक्टली लिख दिया करोगे। एक बार देखो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है 2, 3, 6, 7 सब रेस्ट पे हैं? क्या ये जुड़ा हुआ है, ये मूव थोड़े कर रही है? अगर ये रेस्ट पे है तो क्या इसकी वेलोसिटी, तो V2 कितना हो गया, V3, ये बस यही है ना। इसका मतलब आगे से जब तुम सवाल करोगे, जिनकी वेलोसिटी 0 है उनको लिखोगे, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम तो सिर्फ इनको देख लेंगे ना भाई, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। बताओ इसकी वेलोसिटी किधर, ऊपर, लेंथ को घटा रही है बढ़ा रही है? मेरे को V1 लिखना, V1 ये है ना, V1 की स्पीड कितनी है, इसको फिक्स किया, ये ऊपर जा रहा है, लेंथ घट रही है बढ़ रही है, तो क्या लेना है, तो क्या इसको -2 ले लू, डन। V4 बोलो, नीचे है 6, मैं साइन कन्वेंशन ये लेके चल रहा हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बोलो V4 कितने से जाएगा नीचे, 6 से नीचे जा रहा है, लेंथ बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, क्या लेना पड़ेगा? तो ये V4 कितना हो गया, V5 भी कितना हो गया, +6, या आ जाओ V7, V8। अब तुम मान लो इसको +V8 लिख रहे हो, यानी कि +VC लिख दे इसको। अगर मैं +VC लिख रहा हूं, इसका मीनिंग समझाना एक बार मेरे को आराम से सोच के, चाहे 2 सवाल हो आज की क्लास में, लेकिन इस मेथड को समझ के जाना। देखो अगर मैं VC को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसका मतलब वो उसकी लेंथ को बढ़ा रही है घटा रही है, इसका मतलब मैंने VC क्या मानी है, नीचे मानी है कि ऊपर मानी है? अगर मैं VC को नीचे मानूंगा तभी तो लेंथ बढ़ेगी ना इसकी, तो ये VC क्या ले लिया मैंने? आई रिपीट, अगर मैं VC को पॉजिटिव लेट कर रहा हूं, तुम कुछ भी लेट कर लो, तुम माइनस ले लो या -VC ले लो, तो -VC ये दिखा रहा है कि तुम ये मान के चल रहे हो कि VC कहाँ है, तभी तो लेंथ क्या होगी, घटेगी। अगर मैं VC को प्लस ले लेता, तो तुम ये मान के चल रहे हो ये कहाँ है, नीचे, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे +VC -2 +6 प्लस, ये कितना आना चाहिए, तो 6 और 6 12, -2 10, उधर जाके VC क्या आ गया, क्या ये तो माइनस का आया, मैंने क्या माना था इसको, माइनस कौन है ऊपर, क्या मैं नीचे मान रहा था, ये माइनस आ गया, माइनस क्या करेगा,
किसी की वेलोसिटी नेगेटिव है, वो लेंथ को क्या करेगी? कम करेगी। कम कैसे करेगी? तभी करेगी जब ये कहाँ होगा? ऊपर। अब मैं कल वाला सवाल लेता हूं, वो दोबारा लेंगे अभी, ठीक है? मेथड समझ में आया? लगाना आ गया भाई सबको? सारे पॉइंट्स लिखे, सबकी वेलोसिटी लिखी, बढ़ा रही है प्लस ले लो, घटा रही है माइनस ले लो, और जिसकी निकालनी है उसको जो मर्जी लेट कर लो। क्या क्या लेंगे? वीसी क्या ले रहे हैं? माइनस लो। माइनस वीसी का मतलब ये लेंथ को घटा रही है, तो इसमें कितना आया? वीसी प्लस आ रहा है। वीसी अगर माइनस हो तो हमने ऊपर ही मानी ना बेटा। वीसी अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो क्या आएगा? 10 पॉजिटिव का आएगा, और अभी क्या आ रहा है? तो वीसी -10 है। कौन से वाला? ये वाला क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूं कि ये वाले पॉइंट्स इससे कनेक्ट है, जो इसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी मेरे को इसकी लेनी है ना। एक बार कल वाला आंसर वेरीफाई करना इस मेथड से, कल वाला क्वेश्चन निकालना एक बार। एक सेकंड में चेक करता हूं। अभी हमारा आंसर क्या आया फाइनली? बीसी माइनस आया ना। माइनस मतलब ऊपर आया है, माइनस मतलब ऊपर आया है ये। और अगर मैं इसको क्या लेता? माइनस, तो बीसी क्या आता? पॉजिटिव। एक बार कल वाला क्वेश्चन दिखाना मेरे को, क्या है? ये करो भाई, इसी मेथड से करके दिखाना एक बार। ये इसमें ये वाला फिक्स है, ये ब्लॉक ए है, और ये क्या आ रहा है? ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इधर एक और पुली है, ये बी, ये सी। बी कितने से जा रहा था? 3 मीटर पर सेकंड। सही है। निकालना इस सी की, वीसी निकालना कितनी आ रही है इस मेथड से, ट्राई करो एक बार। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -1। ये देखो, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ये रहा 1। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, अरे मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी वीपी है इसकी, तो इसकी भी कितनी मान ली? देखो, क्या मैं इसको वीपी मान लू ऐसे? ये कितना मान लिया? वीपी। ये भी कितना हो गया? वीपी। ये कितना है? 0। ये कितना है? 4। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है? 4 से नीचे जा रहा है। मैं पहले इस सिस्टम के लिए देखता हूं, करूं? मुझे इसको देखना नहीं, मुझे ये वाली वायर पे देखना है, वायर पे जो पॉइंट्स है। बोलो क्या लें? आवाज मत करो। ये कितना है? 0। 0 लिख दिया मैंने, तो कुछ नहीं कर रहा। बोलो, मैंने इसको काम आना है अपवर्ड। अपवर्ड क्या कर रहा है? लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है?
इनको देखो ना, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये लेंथ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये फिक्स है बेटे, नहीं आ रहा समझ? ये फिक्स है, ये वेलोसिटी ऊपर, तो लेंथ बढ़ रही है। तो प्लस वीपी, ये वाला भी प्लस वीपी, ये कितना घटा रहा है? बढ़ा रहा है। ये वाला पॉइंट तो नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जा रहा है। ये पॉइंट फिक्स, फिर जब इसको देखो तो ये फिक्स कर लो, इसको देखो इसको फिक्स कर लो, ये कहां जा रहा है? नीचे। नीचे जा रहा है तो प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 0। तो बोलो 2 VP इक्वल्स टू -4 आ गया कि नहीं आ गया? तो VP इक्वल्स टू -2। VP -2 का मीनिंग, VP -2 का मीनिंग ये है कि ये अपवर्ड नहीं है। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव ये थे ना भाई, ये देखो मैंने इस नीचे वाली को पॉजिटिव नहीं माना, तो ऊपर वाली कौन हुई? तो नेगेटिव मतलब ऊपर, ये नेगेटिव ऊपर बनाई थी मैंने, ये कहां आई थी? ये ऐसे आई थी, सही मानो है ना? VP प्लस, ठीक है यहां बनाओ, ये VP अगर इधर आ रही है ऊपर, ये कहां आ रही है? नीचे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? इनकी भी VP होगी, इसकी 2, तो इसकी भी 2, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2। ये बताओ अब इसके लिए लगाओ मेथड, पॉइंट मेथड लगाना। इस वाले पॉइंट की स्पीड 3, घटा रही है बढ़ा रही है? घटा रही है, तो माइनस की 3। ये क्या कर रही है? बढ़ा रही है या घटा रही है बेटा? ये VP, VP कहाँ है? नीचे। तो बेटा VP नीचे है तो घटा रही है ना, तो घटा रही है तो माइनस की 2, ये कितनी आ रही है? ये भी माइनस की 2। उल्टा लग कर रहा हूं मैं यहां, यहां यहां पे गलती कर रहे हो यार तुम, है ना? इसमें ये VA को मैंने 4 लिया, मैंने लिया बढ़ा रहा है, तो मैंने नीचे वाले को प्लस माना। यहां पे VP, ये VP, VP को मैंने लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ा रही है नीचे, इसकी वेलोसिटी, यहां उल्टा किया मैंने कुछ, इधर इसकी वेलोसिटी यहां पे ये आएगी, यहां पे आएगी नीचे, इसकी कहां आएगी? ऊपर। ये कितनी आएगी? ऊपर। ये भी कहां आएगी? ऊपर। तो ये 2, ये 2, ये क्या करेगा? लेंथ को बढ़ाएगा ना, तो बढ़ाएगा तो प्लस प्लस 2 ले लिया प्लस। अब देखो मैं इसी को क्या मान रहा हूं? प्लस, प्लस का मतलब लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो मैंने प्लस VC इक्वल्स टू 0 ले लिया। कल कितना आया था VC इक्वल्स टू? हां जी, एक सेकेंड, ये VC कितना आया है? 4 -3 1, उधर जाके -1, -1 मीटर पर सेकेंड। अगर ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ऊपर, तो ये ऊपर आ रही है इसके, अब इसमें ऊपर आ रहा पहले। हाँ VP इसमें प्लस कहाँ आ रही है? माइनस आ रही ये वाली, क्या करेंगे? नीचे जा रहा था, लेंथ घट रही है। अरे वेट, क्या बेटे पोज कर, क्या इसमें? हाँ ये वाला मेरा ऊपर आया था, तो ऊपर वाले की नेगेटिव आनी चाहिए थी, तो इसकी रहा है। हाँ जी, हाँ कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी अगले वाले मेथड्स में जब एक और सवाल दूंगा तो तेरे को ये वाला लगेगा, ये वाला आसान है, ठीक है ना बेटा? इसमें हम VC क्या मान रहे हैं? प्लस मान रहे हैं ना? ओए वेट यार, मैं कोई भगवान थोड़े हूं, कमाल है। एक तो तुम्हारे लिए मेथड, एक सवाल को 2 मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कोई, मैं यूं थोड़े, मेरे को ब्रह्म ज्ञान है यार, 2 मिनट शांति रखा करो। तुम्हारे लिए चीजें निकाल रहा हूं, ये VC मैंने क्या माना इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मैंने इसकी लेंथ को बढ़ता हुआ माना, और मेरा VC आंसर कितना आया यहाँ पे? -10। तो -10 मतलब ये VC किधर जा रहा है?
ऊपर, ये आया हमारा आंसर। अच्छा, अगर ये भी सही है, उस वैसे भी सही है, अगर हम इसको माइनस ले लें इसके हिसाब से तो भी आ जाएगा आंसर तो ना। ये माइनस प्लस तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आंसर तो आना 10 ही है ना। मेरे ख्याल से इसमें आपसे ऐसे नहीं पूछा गया, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन मानने, साइन कन्वेंशन अगर ऊपर मान रहे हो, अगर ऊपर मान रहे हो तो ऊपर क्या माना मैंने, नेगेटिव, नीचे माना पॉजिटिव, मान के चल रहे थे नीचे, ऊपर क्या आया, वीसी -10 आ गया, तो ये ऊपर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है भाई। कल ये वाला अपवर्ड में आया था, अभी अपवर्ड में, ये कल मैं अपवर्ड में बता के गया था, मैं बोल रहा था कि नीचे है, क्या बोल रहा था मैं, मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा। आयुष चुप हो जा भाई, दो तो 4 बार बोल चुका मैं, घर भगा दूंगा यहां से। क्या आंसर आ रहा है इसमें, ऊपर आ रहा है, ये नीचे आए। दिखाना कल वाला भाई, वेट प्लीज। अच्छा इसमें कल हमारी, इसमें वेलोसिटी नीचे आई थी ना, वीपी के 0, ये वीपी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, -4, वीपी -2, -2 मतलब की वेलोसिटी कितनी है। अरे हम है ना, एक ना वर्डिंग में गलती कर रहे हैं, जहां तक मेरे को लग रहा है वर्डिंग में ऐसे गलती कर रहे हैं, सुनिए इधर, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हमने जो लेट किया, अगर उससे अपोजिट आंसर आए तो हम गलत लेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये वर्डिंग में गलती कर रहे हैं। अभी ऑन मत करना भाई इसको, देखो इसमें क्या है, ऑन कर रखा है क्या, नहीं वहां से ऑन है, इसको एक बार पॉज करो, इसमें बताना एक बार, ये बी ब्लॉक है, ये क्या है, ए मना, ये यहां यहां पुली है, यहां से ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, और इस सरफेस के ऊपर बड़ा यहां पे ये ऐसे जुड़ा हुआ, ये वाला जो ब्लॉक है ये VA से जा रहा है, मतलब VA की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और VB की वैल्यू निकालनी है, ये VB की वैल्यू निकालनी है, करके देखना एक बार। हाँ अटैच है भाई, इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, देखो क्या आपकी बार पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा, और ये वाला होगा, बताइए। चलो ये वाला पॉइंट किससे कनेक्ट है, इससे, तो कितने से जाएगा ये, किधर जाएगा, उधर, तो इस वायर की लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा तो प्लस लेनी पड़ेगी, इसकी वेलोसिटी ये VB, VB मान लो आपने इधर मानी है, इधर ये VB, तो VB इधर है, ये घटाएगी बढ़ाएगी, तो क्या लेंगे, माइनस का VB इसकी भी, अरे इसकी स्पीड भी तो VB, इसकी स्पीड भी VB, आप इधर मान रहे हो तो घट रही है बढ़ रही है, जब आप इस वायर को देखो यहां पे दो पॉइंट है, जब इसको देखो इसको फिक्स मानो, जब इसको देखो इसको फिक्स मानो, तो ये क्या कर रहा है, हमारे आंसर सही आ रहे हैं, हमारे सिर्फ साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, मेथड में, राइट। पता है इनके ना बहुत लंबे लंबे मेथड्स होते हैं किताबों में, ये मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटली ये देख रहा हूं कि इनसे आ रही है कि नहीं आ रही, तो VA क्या है, VB बोलो यहां की, बोलो +10 क्योंकि बढ़ा रही है, VB माइनस की, ये माइनस की, ये वाले की स्पीड बोलो +10, क्योंकि ये इसी से कनेक्ट है ना, इस ब्लॉक से कनेक्ट है, तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी, +10, इसकी स्पीड +10, इसकी स्पीड फिक्स है ना ये, तो ये +0 इक्वल्स टू
बोलो कितना आ रहा है, 10 से 10 गया, होय प्लस 10 20 कितना आ गया, 30 30 आ गया, ये माइनस वीबी उधर जाके 2 वीबी मतलब कितना आ गया 15, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आंसर आ गया। सही, हाँ जी करता था। तुम ये वीबी लिखो एक बार यार, मैं चेक कर, साइन कन्वेंशन में चेक कर, ये आंसर सही है सारे हमारे। हाँ वीबी लिखो एक बार, मैं आपको इस वाले की 0 ली है, इसकी नहीं होगी क्योंकि इससे कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट इस पे है, पुली पे, पुली कैसे चल रही है, ये वाले दोनों 10 से चल रही है। आंसर्स में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वी आर कंफ्यूज इन साइन कन्वेंशंस, लाइक या तो मैं कोई क्वेश्चन की वर्डिंग में गड़बड़ कर रहा हूं, बोलने में आंसर सही है। वीबी नेगेटिव लिया है मैंने क्योंकि घटा रहा है स्पीड को ये। ये उधर जाके -30 होगा ना, -VB -VB -10 VB 15, तो सही तो आ रहा है यार, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही समझ में, क्या आ रही है। सही आंसर लिखो आप, एक क्वेश्चन और लिखो यार, आंसर देखो मेरे को इसमें गड़बड़ नहीं लग रही, तुम एक बार मेथड से आंसर निकालते जाओ, साइन कन्वेंशन में कंफर्म करता हूं तुम्हारे को। अच्छा यहां ब्लॉक ए है, यहां ब्लॉक ए है 10 वन, तो कितना आ रहा है ये ब्लॉक बी है, इसकी स्पीड बतानी है भाई, वी बी, इसकी वी बी बतानी है, ठीक है। ए की क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, चलिए बताइए वीबी की स्पीड बताओ कितनी आ रही है, वही सेम पॉइंट मेथड से, क्या इनकी लोगे, ये तो फिक्स है 0 है, ये तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा उसमें क्या होता था कि अगर हमारा आंसर हमने बढ़ा रहे हैं तो लेंथ को बढ़ा रहे क्या आएगा, देखो ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, और आगे ये चारों भी बढ़ा रहे हैं, तो 4 VB सबका सम 0, तो क्या VB इक्वल टू -1 आता, इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत है, तो मतलब मैंने जो नीचे माना था वो नीचे नहीं, वो कहाँ है, ऊपर। अब सही है, हम वर्डिंग में, मैं तब भी कह रहा था वर्डिंग में दिक्कत है, हमारे आंसर्स गलत नहीं है, कहने वाला जो अजम्पशन मानो नेगेटिव आंसर आते हैं समझ जाओ अजम्पशन गलत, पॉजिटिव आंसर आ जाते अजम्पशन सही। बेटा ये वीबी नेगेटिव क्यों लिया है, इसको फिक्स कर, अगर ये वाला पॉइंट इधर आएगा तो ये लाइन घटेगी बढ़ेगी, आ गया सबको अब समझ में, अरे कहाँ जा रहे हो अभी, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर घर से, चलो छोड़ा दूंगा जाओ।